इससे पहले हम बात कर रहे थे आजाद कश्मीर में होने वाले इलेक्शन के हवाले से, एक दफा फिर आपको लिए चलते हैं वर्चुअल स्टूडियो और एक बार फिर से बात करेंगे हम इलेक्शन ट्रांसमिशन के हवाले से। इससे कबल बाग से हमारे नुमाइंदे असद सुहेब हमें अपडेट कर रहे थे, अभी हम रुख करेंगे मीरपुर का, वहां पर मौजूद है जुबैर साजिद, उनसे भी अपडेट लेंगे। जुबैर आप बताइएगा किस पोलिंग स्टेशन में आप मौजूद हैं, क्या मनाजिर देख रहे हैं, खवातीन की कितनी बड़ी तादाद आज बाहर निकली है वोट डालने के लिए? जी बिल्कुल अनवार, हमने देखा कि मुजफ्फराबाद में जैसे शाकरबासी ने बताया वो मुजफ्फराबाद में मौजूद था, तो मौसम भी काफ़ी खुशगवार है, लोगों को जो है आज़ाद कश्मीर के नगमे भी गा रहे हैं, लेकिन यहाँ सिचुएशन बिल्कुल डिफरेंट है। यहाँ पे सियासी दर्जा हरारत के साथ साथ जो गर्मी का पारा है, दर्जा हरारत वो काफ़ी ज़्यादा है, तकरीबन 35 से 40 डिग्री सेंटीग्रेड जो है टेम्परेचर है, जिसके बायस जो है वोटर बड़े कम तादाद में पोलिंग स्टेशन में आस्ता आस्ता आ रहे हैं, वोटिंग जो है सुस्त रवि का शिकार है, गर्मी की शिद्दत है। मैं इस वक्त जो है LA 3 के पोलिंग स्टेशन नंबर 62 में मौजूद हूँ, यह खवातीन का पोलिंग स्टेशन है। यहाँ पे जितनी भी खवातीन मौजूद है, पोलिंग स्टाफ मौजूद है, इनसे आप बात करेंगे, पूछेंगे कि इन्हें किन मसाइल का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि गर्मी भी है और दोपहर का वक्त भी हो चुका है, क्या इन्हें खाने के लिए भी कुछ चीज़ें प्रोवाइड हुई हैं या अपनी मदद आपके तहत ये लोग खाना खा रहे हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पे जो पोलिंग ऑफिसर मौजूद है, इनसे बात करेंगे। अच्छा बताइएगा आपके आपको किन मुश्किल का सामना करना पड़ा है आप सुबह से यहाँ पर बैठे? सबसे पहली बात गर्मी है बहुत, और पंखों का कोई खास अरेंज नहीं किया गया। दूसरी बात सुबह से हम लोगों ने सिर्फ चाय पी है, इसके अलावा भी हमने और कोई चीज़ जो ना ही मिली है, तो ना ही उन्होंने आके पूछा किसी चीज़ की ज़रूरत है या नहीं है। पूछा जी आपने, सुना इन खातून ने एक शिकायत लगाई कि गर्मी भी है और दूसरा खाने का कोई इस्तेमाल नहीं है, प्रिजाइडिंग ऑफिसर मौजूद है, इनसे बात करते हैं कि इन्हें किन मुश्किल का सामना करना पड़ा है। जी जो मेरी कुलीग ने कहा है वो सही कहा है, और सारी बच्चियां आर्मी वाले इसी तरह खड़े हैं और कोई भी खास इतना इलेक्शन कमीशन के इंतजाम से जो ये उन्होंने स्टैंप दिए हैं, बैलेट पेपर्स दिए हैं, क्या आप मुतफिक हैं? हाँ ये तो ठीक है, ये सारा ठीक है, बस गर्मी के लिए कोई बंदोबस्त नहीं है खास। तो खाना वगैरह कहाँ से लेंगे आगे, अगर कोई आपका अपना बंदा खाना लेके आए तो उसे आने की इजाज़त? नहीं हमें कोई इजाज़त नहीं है, किसी के आने जाने की इजाज़त नहीं है, और मोबाइल की भी इजाज़त नहीं है किसी को रखने की, और किसी को बुलाने की भी इजाज़त नहीं है। जी आपने सुना प्रिजाइडिंग ऑफिसर थे, इनका कहना था कि हमें कोई इजाज़त नहीं है अगर कोई खाना भी नहीं प्रोवाइड कर दे, क्योंकि ये बगैर वक्फे से शाम 5 बजे तक पोलिंग जारी रहेगी, कुछ पोलिंग एजेंट मौजूद हैं। जुबैर साजिद आप मीरपुर में मौजूद हैं, अपना भी ख्याल रखिए, पानी पीते रहें अगर दर्जा हरारत वहाँ पर ज़्यादा है। अलबत्ता